काउंटिंग। और आज चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि ईवीएम फुल प्रूफ है और आपको ईवीएम पर संदेह है। ईवीएम फुल प्रूफ नहीं है, हम लोकसभा में कोई इस बारे में आक्षेप नहीं दिया था, चुनाव होने दिया, लेकिन हरियाणा के बाद फिर एक बार ईवीएम के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के बारे में सामने लाए हैं उसके ऊपर चुनाव आयोग अपना खुलासा नहीं दे पा रही है। एक सवाल सर और, जाहिर तौर पे चूंकि आप लोग का महाविकास आघाड़ी, क्या लगता है कि चुनाव में जो परफॉर्मेंस लोकसभा में आप लोग कर रहा है वो विधानसभा में रिपीट होगा? उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में किसी भी हालत में सरकार बदलेगी। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार जो बनी है मोदी अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट के समर्थन से, जनता उसको खत्म कर देगी। लेकिन जिस तरह से दो राज्यों में, झारखंड में और महाराष्ट्र में, क्या जो इंडिया ब्लॉक है मिलजुल के, कोई समस्या नहीं है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, तीन पार्टी जैसे लोकसभा में चुनाव लड़े वैसे विधानसभा में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल सर, आपकी पार्टी कितने सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये आंकड़ों का खेल नहीं है, जीतने का खेल है। जो कोई भी अगर कोई सीट जीतता है तो सीट उसको मिलेगी, मुझे 200 लड़ना है, मुझे 50 लड़ना, ये नहीं, जो जीतेगा उसकी सीट है। तो जीतता है? डेफिनेटली हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। शिवसेनेचे नेते बोलत होते संजय राऊत। आणि निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यावर विविध नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येतात। मतदान आहे 20 नोव्हेंबरला, महाराष्ट्रात 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी आहे, त्यामुळे आजपासून बरोबर 35 दिवसांनी हा निकाल समोर येणार आहे। 29 ऑक्टोबर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख असेल। स्वाभिमान योजना जे काही रेग्युलर नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना 50,000 रुपयाचं सानुग्रह मदत करण्याचा निर्णय घेतला,